यू गॉट माई स्मार्ट, प्लीज डू नॉट डू दैट. अरे कम ऑन यार, मजाक कर रहा हूँ. डोंट डू दैट. आई हैव अ हेड ओवर माय शोल्डर्स यार. वैसे एक बात बताऊँ, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है. उसने जो भी पकौड़ा गैंग शो पे आया ना, इस बात का ध्यान रखे कि राइट फ्रॉम द एंट्री अप टू एग्जिट दे रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड देन दे टेल यू कि सर स्टे कंफर्टेबल बट दे यूज इट ऑल्सो. वेलकम टू पकोड़ा गैंग शो, एपिसोड नंबर 5 और 2, 7. मेरे साथ हैं अंजुषा शर्मा. आप सारे लोग जानते होंगे इनको, इंस्टा पे बहुत फेमस हैं, फेसबुक पे बहुत फेमस हैं. यार जब भी कोई लड़की आती है ना, मेरे को ना ये पढ़ना पड़ता है. हमारे यहाँ पे जितने भी लड़के वड़के आते हैं ना गेस्ट, जो उनके साथ मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, हाँ ये क्या है, ये वो है, ये वो है, चलो खत्म. जो भी लड़की आती है ना, मतलब इतना सारा लिखा है, इतना इतना सा पढ़ के सुना रहा हूँ, प्लीज बेयर विद मी. पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं, उसमें से कुछ के नाम बताता हूँ. रंग सांवला, सूट पटियाला शाही, अथरा स्वैग रिसेंटली कवर सॉन्ग किया है फिलहाल के लिए, और भी किया. ये सारे सॉन्ग्स ना यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इनके अपने चैनल पे भी अवेलेबल हैं, सारे के सारे देखोगे तुम लोग जाके. अच्छा, सारे गामापा शो आता था एक 2013 में, उसमें कंटेस्टेंट थे और टॉप 15 में आए हैं. आवाज़ पंजाब दी में रनर अप रहे हैं, वॉइस ऑफ पंजाब भी कर रखा है इन्होंने, ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग्स कंपटीशन के विनर हैं कटरा में, गाते बहुत अच्छे. मैं बहुत देर से सुन रहा था, तुम लोग शो तो कर नहीं सक रहे हो, मैं कर रहा हूँ, मेरे पास वाली प्रिविलेज है, मैं सुन भी रहा हूँ. तुम लोग वही सुनोगे, हम सुनाएंगे तुम्हें. सॉरी यार, बुरा मत मानना कोई भी. अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छ भारत अभियान रियासी डिस्ट्रिक्ट में, बहुत एक्टिव मेंबर हैं, सेलिब्रिटी यूथ लीडर हैं बीजेपी में. हूं तुसे मेरे को सारियां गल्लां कढ़ाई है, मुसीबत पाड़ दियो. के बस चलदा, फस गई. मुझे पता है, तुम सबको पता है, फस गई. बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कर रखे इन्होंने, कनाडा में, अफ्रीका में, और भी एटसेट्रा लिखा हो तो मतलब बहुत सारी जगह होंगी. गूगल खोलो ये दिख जाएंगी, यूट्यूब खोलो ये दिख जाएंगी, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे भी ला रहे हैं इनको. वेट, स्टार्ट करें हम लोग. हाँ, मैं बोलूं? नहीं नहीं ऐसे कैसे बोलना, पहले मैं पूछूंगा फिर आप बोलोगे. तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, हम ना अपने सारे गेस्ट के साथ बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन पूछते हैं, अनकंफर्टेबल नहीं करते किसी को भी. तो सबसे पहले ना, पहला क्वेश्चन है, स्कूल लाइफ कैसी थी, और जो टैलेंट है सिंगिंग वाला वो सबसे पहले किसने ढूंढा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पकोड़ा गैंग एंड साहिल एंड एवरीबडी हु इज आउट देयर बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो. थैंक यू सो मच, इट इज सो लवली टू सी यू हियर. आप लोग हमारे घर पर आए और आपने क्या जबरदस्त. सो यस, फर्स्ट तो आप भी गए. अच्छा, मेरे को पैसे मिले हैं इस बार, पहली बार पैसे मिले. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद माई स्कूल लाइफ. वॉज अमेजिंग. आई वॉज मोर लाइक अ वेरी दैट काइंड ऑफ किड जो हमेशा सबको डरा के रखती थी.
लड़कों को मुझसे बहुत थप्पड़ पड़े हैं स्कूल लाइफ में, एंड आई वाज मोर लाइक वो डॉन वाला थोड़ा मेरा था, सब लोगों को लगता था कि ये तो बहुत यू नो डराती है, आई वाज ऑलवेज द मॉनिटर एंड हाउस कैप्टन एंड दोस थिंग्स। यूज द राइट वर्ड, गुंडी। जे हो या तेरा मेरा गैप तन्ने करू, किडनैप चाहे दुनिया कहो मने गुंडी। जे हो या तेरा मेरा गैप तन्ने करू, किडनैप चाहे दुनिया कहो मने गुंडी। I was a gundi and yeah, school life was amazing. और मेरा जो सिंगिंग का था वो ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं जो भी गाना आता था उसके साथ साथ गाती थी, दैट्स हाउ मेरे पेरेंट्स ने रिकॉग्नाइज किया, मेरे मदर फादर ने, और उसके बाद उनको पता चला कि जब इसका सुर इतना सही है, ताल से भी कभी बाहर नहीं हुई है, बचपन में कुछ भी गाती थी तो प्रॉपर बहुत अच्छे से गाती थी, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड माई पेरेंट्स व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट इट देन दे यू नो स्टार्ट विद इट एंड हियर आई एम। परफेक्ट, मतलब स्कूल लाइफ अमेजिंग थी, वेरी नाइस। तो देखते कितना याद है। कुछ टीचर्स के नाम लेता हूँ या कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, उनके साथ जुड़ी हुई कुछ मेमोरीज हैं तो बताओ मेरे को। टीचर्स, हाँ, राजकुमार शर्मा सर। हाउ यू नो ही? ओके, ही इज माय म्यूजिक टीचर, ही वाज नॉट इन माय स्कूल बट आई डन क्लासिकल म्यूजिक की मैंने ट्रेनिंग की है, तो राजकुमार शर्मा जी से मैंने सीखा है क्लासिकल म्यूजिक। Yeah. ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता कि हम इनसे पूछ के आते हैं, कभी कभी हम रिसर्च भी करते हैं। Very intelligent. सुधाकर मिश्रा सर। Oh my God. Okay. So he was मेरे गांधीनगर कॉलेज में थे, हमारे वाइस प्रिंसिपल थे, also he was such a nice guy. उनके साथ मेरी इतनी अच्छी ट्यूनिंग बनती थी कि मोस्टली जब मुझे कोई काम करवाना होता था मैं सर को बोलती थी सर प्लीज लाइन में नहीं खड़े होना है ना अभी। So he is a very very nice gentleman and yeah, बहुत अच्छे थे, गांधीनगर कॉलेज। चल झूठा। पाठक सर। I don't remember much. You have all the history, man. Come on. पाठक सर, आपको ये वाला क्लिप भेजूंगा। No. He must have been my teacher, but thank you so much for teaching me or maybe. सुमित रविंद्र। Where is it coming from? Even I don't remember. बताओ बताओ यार, सुमित रविंद्रा। Must have been a handsome feature of me. I don't know. बिल्कुल, handsome तो हैं। हाँ बिल्कुल। Thank you sir for teaching me and making me what I am. Although I do not remember your name particularly, but yeah, face देखेगा तो पूरा पूरा पहचान जाऊंगी एकदम बढ़िया। मैं इनको सर दिखा रहा हूँ, बस खत्म होने के बाद ना photographs भी दिखाता हूँ इनको। ये मेरे को भी नहीं पहचान रहे। What a study man, what a study, हाँ? Okay. अच्छा ठीक है, अब इसको नहीं यूज़ करते, हो गया मेरा काम, मेरे को ये वाली चाहिए थी बस। अच्छा, पंजाबी इंडस्ट्री में यू अप्रोच समबडी टू बी देयर, समबडी फाउंड यू, हाउ डिड ऑल हैपन? सी, आई डिड मेनी रियलिटी शोज एंड आफ्टर ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन आई वेंट टू आवाज पंजाबी, देर आफ्टर सारे गाँव पाए वॉइस ऑफ पंजाब एंड अदर प्लेसेस। सो जब मैंने आवाज पंजाबी किया और वॉइस ऑफ पंजाब किया तो पंजाब इंडस्ट्री के लोगों को ऑब्वियसली मेरे बारे में पता चला कि देर इज सम गर्ल, एंड देन काफ़ी सारी कंपनीज ने मुझे अप्रोच किया और उसमें से एक कंपनी सेवन नोट्स के साथ मेरा पहला गाना आया था, सूट पटियाला शाही, इट इज 81 million ऑन यूट्यूब, थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस सॉन्ग लाइक सुपर मच, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके, और ये पंजाबी इंडस्ट्री में जब आ गए हो गया, तो अब मुझे बताओ कि डोगरी जो इंडस्ट्री है वो इतना फ्लरिश क्यों नहीं कर रही है? सी, मुझे डोगरी में बोलो यार। चलो डोगरी बोलने हैं तो सारे डोगरी क्वेश्चन पूछो, मैं ये दोबारा प्लीज जरा इनको देखें। हाँ जी। अच्छा, हाँ। मैं खुद ही बोल रहा हूँ यार। बोलिए बोलिए। तो डोगरी इंडस्ट्री जड़ी है वो कैन नहीं फ्लरिश हो रही, नहीं ज़्यादा अब इस फ्लरिश का नहीं पता डोगरी में क्या बोलते हैं। बेसिकली साड़ी डोगरी इंडस्ट्री भी ऐसी गल नहीं है, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं सारे डोगरी दे, ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बाहर जाइए काम करा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी एंड मैनी अदर्स ऑल्सो, बट साड़ी डोगरी इंडस्ट्री सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इतने जल्द एक बंदा अगे बढ़ने की कोशिश करता है पिछले बड़े होंगे लत्ता खिंचने वाले, सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। एंड इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग इन डोगरी, फॉर एग्जाम्पल मिगी बड़े लोग आखते हैं कि तुम डोगरी च गाना है थोड़ी की नहीं करा दे, मेरा अगला प्रोजेक्ट डोगरी च गया है, ऑडियो ऑलमोस्ट बना उड़ी दी, इट्स कमिंग वेरी सून, मिगी लोग आखते जरूर, और बड़े ऐसे लोग जो डोगरी के बारे में बड़ी गल्ला करते हैं पर जल्द सारा गाना होग तो उन्हें लोग सारे को पहले वो गाना दिखना गै नहीं है, सिर्फ गल्ला करनी है कि डोगरी च काम नहीं करा दी कुड़ी, लेकिन गाना नहीं दिखना, सपोर्ट नहीं करनी, उसी शेयर तक नहीं करना, बाकी तो दूर की गल है। तो बेसिकली इंडस्ट्री ता गै प्रमोट नहीं हो आदी या मतलब फ्लरिश नहीं हो आदी है क्योंकि एक तो डोगरी च आर्टिस्ट ही मतलब प्रमोट नहीं करना, पैसा नहीं लाना उनके ऊपर, यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन द आर्टिस्ट इफ यू वांट देम टू डू गुड, राइट? यू कैन नॉट बी जस्ट प्लेइंग ओवर कार्ड्स, यू नीड मनी,
ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੁੱਗਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਓਪਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਯੋਰ ਪਾਕਟਸ ਟੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ अच्छा मैंने ना इंट्रोडक्शन में बताया था कि बीजेपी की ना वो है यंग लीडर हैं नो आई एम नॉट अ लीडर आई एम नॉट अ लीडर आई एम अ फॉलोअर आई एम नॉट अ लीडर ओके फाइन मैम फॉलोअर है तो इन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है यस बट नॉट एज बीजेपी दैट वाज ओपन इलेक्शन उसका कोई किसी पार्टी के साथ नहीं था ओके मैं सरपंच इलेक्शंस में मैंने कंटेस्ट किया था बिकॉज मेरे जो एरिया के लोग हैं जहां आ जा पाए हैं वो चाहते थे कि मैं सरपंच की इलेक्शंस के लिए लड़ूं आई लॉस्ट विद 16 वोट्स एंड कम ऑन या आई गॉट ऑलमोस्ट लाइक 512 वोट्स I lost by 16 votes and there was like so much of बहुत सारी politics खेली गई थी हमें इन चीज़ों का पता नहीं है पर वो एक रात पहले वो जो votes बदले जाते हैं और वो पता नहीं एक दूसरे को बोला जाता है कि तुम अपने वोट भी मुझे दिलवाओ ऐसी बहुत सारी गेम्स हुई थी बट आई थिंक आई एम स्टिल द विनर इट्स नॉट द ओवर कॉन्फिडेंस बट इट्स लाइक पीपल लव मी सो मच कि वो अभी भी मुझे बोलते हैं कि आप ही हमारी सरपंच हैं दैट्स द रियल ब्यूटी इन द अरे अमेजिंग वैसे भी फॉर द फर्स्ट टाइमर ये अमेजिंग या आई डिड वर्क ओनली आई डिड ओनली 20 डेज सीरियसली हाँ मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकता मतलब मैं अपने मोहल्ले में कभी इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाऊंगा ना जहाँ के मैं रहने वाला हूँ तो मैंने वोट दिया होगा मेरे पापा मम्मी भी नहीं डालेंगे मुझे उन्होंने कहा ना ऐसा आलसी आदमी खुद का काम नहीं करता जनता का कौन दैट्स अमेजिंग यार और अच्छा बीजेपी जब ज्वाइन की थी तो पार्टी ने अप्रोच किया था या खुद अप्रोच किया था उनको सी हमारे बचपन से ही हमारी जो फैमिली है माई फादर इज इन RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड दैट्स आवर फैमिली सो बिफोर यू कॉल RSS अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जस्ट होल्ड ऑन बिकॉज इट इज नॉट वी डू नॉट यूज वेपन्स एंड इट्स नॉट ओनली हिंदू एसोसिएशन एज वेल वी हैव RSS में मुस्लिम संगठन भी है मुस्लिम लोग भी हैं अलग अलग रिलीजन के लोग भी हैं जो RSS में काम करते हैं इट्स नॉट ओनली हिंदू संगठन या वी डू से कि RSS हिंदू संगठन है लेकिन हिंदू संगठन कहने का मतलब है जब RSS बना था उस समय हिंदू को हिंद के साथ जोड़ा जाता था दैट इज द इंटायर कंट्री सो दैट्स वेन वी से हिंदू इज द हिंद एज इन द इंटायर कंट्री अलॉन्ग विद ऑल द रिलीजन लिविंग इन इट सो ऐसा बिल्कुल नहीं है हाँ देश के प्रति प्रेम है और कोई भी रिलीजन में अगर यहाँ पे आके करना चाहे सेवा तो कर सकते हैं तो माई फादर इज एन RSS सो आई बिलोंग टू अ संघ परिवार एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड ऑब्वियसली वी हैव दोज यू नो पेट्रियोटिज्म थिंग इन आवर ब्लड सो उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किया ऑब्वियसली पार्टी भी चाहती थी और मेरा भी खुद को एक इच्छा थी कि यू नो बिकॉज आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ मोदी जी एंड ऑल्सो लाइक या आई वॉन्ट टू डू समथिंग इंस्टेड ऑफ ग्लैमर वर्ल्ड सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए सो वैन आई गॉट टू नो तो उसके बाद जतिंदर डॉक्टर जतिंदर सिंह जी ने मुझे बीजेपी ज्वाइन करवाया एंड या मेरी बहुत बनती है उनसे पता मेरी बनती है एंड मेरी मैं मजाक कर रहा हूँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है जतिंदर सर आई लव यू सीरियसली हम लोग लेकिन ना उसके लिए जनरली क्या होता है कि हम ना बोलते हैं यार अपने किसी फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड या किसी को बुला दो बट हम दोनों को पता कि उसके लिए क्या प्रॉब्लम है ठीक है तो वो वैसा नहीं हो सकता सो आई विल बी दैट पर्सन ओके फाइन ओके तो आर यू गोना बी माय ब्रदर माय 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 व्हाट फैमिली मेंबर एज व्हाटएवर यू वांट अंकल भी चलेगा ओके इट्स ओके आई विल कॉल यू साहिल ओनली अरे परफेक्ट देन तो मैं एक मूवी का एक्ट करने वाला हूँ ये नहीं दिखेगा ठीक है आईज हैंड्स एंड लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट वेरी बैड एट मूवीज आई डू नॉट वॉच बॉलीवुड मूवीज टेल हिम टू गिव मी हॉलीवुड मैं दे तो दूंगा लेकिन जो मैं एक्ट करूंगा ना वो भगवान ही समझ पाएगा देखिए ऐसा है अगर मैं इस कंपटीशन में नहीं जीत पाती हूँ फेलियर ही नहीं कहा है मेरा कुछ हम लोग हिंदी मूवीज देंगे अच्छा स्टार प्लस के सीरियल चले नहीं सीरियल आई डू नॉट वॉच अरे ठीक है ना मैं कौन से देखता हूँ नाम तो सुन रखे कुछ होंगे कुछ भी करो चलो वैसे भी मेरा होना तो वाला है नहीं कुछ तो हम लोग क्या करते हैं अंताक्षरी खेलते हैं जहाँ जिस मर्जी वर्ड पे सॉन्ग छोड़ सकते हो बट जो नेक्स्ट सॉन्ग जो शुरू करना है वो उस वर्ड से शुरू करना है अल्फाबेट से नहीं ओह इंटरेस्टिंग ओके
तो चलो यू आर द गेस्ट, प्रिविलेज आपको। नहीं नहीं आप स्टार्ट। अरे नहीं ये तुम पहले, सॉरी आप पहले ही हार जाओगे यार, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। look at you, I'm super talented guys, thank you so much. हाँ अरे वो तो पता है इसीलिए हम यहाँ पे हैं। Okay, let me start. ऐसा लगता है तू बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तू बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के। फंस गए। आज साहिल भी सोच रहे होंगे किसका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अरे नहीं मेरे को सीरियसली ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। भीगो के सुनो ना, भीगे सुनो। चलो हाँ भीगे भी कर। भीगी रात। This is the same song, done. ये सेम सॉन्ग है। हाँ ये स्टार्ट ऐसे होता है, भीगी रात। आपने कैसे बीच में से गाया ये? तो आपने कहा था कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं भी छोड़ो। नहीं मैंने सब छोड़ने की बात की थी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, झूठी बोल रही हूँ। नहीं आपने बोला था कहीं से भी स्टार्ट करो, ये नहीं होता। आस्कर तो मैं फिर से गा लेती हूँ। देन यू वांट टू वेस्ट द टाइम। हां अरे नहीं, आई वांट टू लिसन टू दिस अगेन। भीगी रातों में ऐसी बरसातों में, ऐसा लगता है, तू बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तू बनके बादल, मेरे बदन। अभी कहता है लड़की से रिपीट नहीं कराना, अब और मुश्किल है। अबे ओ कैमरा के पीछे वाले को गाना बताना यार। आज तक मैंने कभी ऐसा इंटरव्यू नहीं किया। अरे हाँ बदन पे सितारे लपेटे हुए, मैं फिर से आ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। हुए। मेरे को तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, चलो कोई सुनेगा नहीं जो मैं गाऊंगा। दो बार गा दिया मैंने तो जनता ऐसे ही अपने अपने फोन तोड़ देगी। यार ये बहुत गंदा सा वर्ड है, हुए क्या होता है? गा के बताओ ना। आई डोंट नो। अच्छा हो भी चलेगा। हो भी चलेगा। ओके। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो ना जाए, दूर तुमसे हो ना जाए, आसाओ गले से लगा लो। Amazing, you won. मेरे को नहीं आता लोगों से गाना। Thank you, thank you. That was literally amazing. मतलब Thank you. Although मैंने कभी ऐसे गाने इंटरव्यू में गाए नहीं, हमेशा पंजाबी लोग कहते हैं अपना गाना सुनाओ. But this is something new that I'm doing. और टाइम कम है, मैंने कंटिन्यू कर सकता था, मेरे को आता, लेकिन मेरे पास टाइम कम है। कोई बात नहीं, ये मुझसे डर गया थोड़ा, इट्स ओके। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ठीक है ठीक। मेरे को ना एक्चुअली इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही ना इन्होंने बता दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रखी हूँ। मेरा आधा इंटरव्यू तो वहीं खत्म हो गया। भाजपा से डर कैसा? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। भाजपा से डर नहीं है, मैं सही में बता रहा हूँ, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग ये शो खत्म करके जा रहे हैं, जब ये शो आएगा ना टीवी पे तो हम भाजपा से डरते हैं या इट्स अदर वे राउंड, ये बात पता चलेगा। तो जाते जाते दो चीजें, एक जितने भी लोग जो यंग बच्चे हैं उनके पास 4G नहीं है, उनके पास अभी एक तो कोविड के चलते अंदर घर के अंदर बैठे, उनके लिए कोई एक मैसेज, कोई टिप, समथिंग, एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू से। आई थिंक यस, 4G इज नॉट इन जम्मू, देयर वेरियस रीजंस टू इट, और ये अच्छा नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा भी बहुत नुकसान होता है, बट आई थिंक या वी शुड सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल। एंड लेकिन
सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में रह के भी कुछ नहीं होगा ना, तो लेट्स डू वन थिंग कि फॉर ऑल द यंगस्टर्स हु आर वाचिंग मी, आई थिंक इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव 2G एंड 4G भी बहुत जल्दी आने वाला है, उधमपुर में आ चुका है, तब तक आई थिंक आप अपने आप पे काम कर सकते हैं. देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, यू नो, लर्न एन इंस्ट्रूमेंट, रीड गुड बुक्स, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एंड योर बॉडी ऑल्सो, तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि फोन पे ही लगे रहेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, आंखें खराब होंगी, तो बेटर है अपनी पर्सनालिटी पे, अपने ऑरा पे काम करें. और बहुत अच्छा टाइम है, इतना फ्री टाइम आपको लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगा, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू हैव टू लिव योर लाइफ. और यू कैन डू पकोड़ा गैंग शो, हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो. अच्छा, पकोड़ा गैंग के लिए कोई मैसेज, कोई दो वर्ड्स, अच्छे बुरे गप्पा भी दे सकते हो यार. पकोड़ा गैंग के लिए मैसेज ये है कि पकोड़ा गैंग नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, थैंक यू सो मच, मेरे लिए पकोड़े भी लेके आए थे ये, सो थैंक यू. बाकी पकोड़ा गैंग के जो एंकर हैं वो बहुत नाइस हैं, बट चलो मैं उनसे थोड़ी सी बेटर हूँ, तो पकोड़ा गैंग, नहीं बहुत पकोड़ा गैंग अगर चाहे तो मुझे भी एज एन मतलब मुझे भी यू नो अपनी टीम का मेंबर बना सकते हैं, तो उसके बाद साहिल तो साइड हो जाएंगे, फिर मैं ही होंगी कैमरे पे. मैं ऐसे भी ना 10 एपिसोड्स के बाद आई एम लुकिंग फॉर समवन जो मुझे रिप्लेस करे, बहुत मतलब एकदम ये अपग्रेडेशन शो ही पूरा अपस्केल हो जाएगा 10 के बाद 11 से आपका. अरे जेंटलमैन प्रॉमिस, मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, फंस गए. नो क्या मिलते हैं लोग आजकल फ्री में काम करने वाले में. फ्री में किसने बोला? मैं ना पैसे दे रहा हूँ शो करने के लिए. बताओ, यू वांट टू फिट इनटू माय शूज? थैंक यू. कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती, हम नहीं बदलेंगे, आप भी मत बदलना, पकोड़ा गैंग नहीं बदलेगा, पकोड़ा गैंग शो शायद बदल जाए, लेकिन अच्छे के लिए बदलेंगे, ऐसे नहीं बदलेंगे. थैंक यू सो वेरी मच गाइस, अगले एपिसोड में मिलेंगे, 7 हमने करी 7 7 8वें में मिलते हैं किसी और गेस्ट से, किसी और पर्सनालिटी से. थैंक यू सो वेरी मच, ट्रस्ट मी, ये तो ड्राइव थी ना, इट वाज वर्थ इट, अमेजिंग. और अभी जो हम व्यू देखने जा रहे हैं, दिखाऊंगा, रुको, शो खत्म होने के बाद ना थोड़े से वो आएंगे बिहाइंड द कैमरा, लूपर्स, हाँ लूपर्स आएंगे, वो सारे देखना, अमेजिंग व्यूज है यार, रास्ता भी किया हमने. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, वाज लवली टॉकिंग, कीप वाचिंग साहिल, बाय, थैंक यू, बाय, कार्ड दे रहा हूँ.